तो आज CDS 2024 का एग्जाम था, लेट्स हैव अ फीडबैक कैसा था एग्जामिनेशन। तो व्हाट्स योर गुड नेम? राघव मेहला। राघव मेहला, तो आपका कैसा एग्जाम गया आज इंग्लिश का? हाउ वाज द पैटर्न, आपको कैसा लगा इस बार? पैटर्न ओवरऑल इजी था, जो कोचिंग में जो मॉक हो रहे थे वैसा का वैसा मतलब उसी पैटर्न के हिसाब से था। वो के भी ज्यादा टिपिकल, मतलब पिछली बार के पैटर्न जैसा ही एग्जाम था इस बार? हां ऑलमोस्ट वैसे ही था, एक दो टाइप के क्वेश्चंस आए थे, नया टाइप था इस बार। तो कितना आपने अटेम्प्ट का सोचा था और कितना आपका अटेम्प्ट हुआ? मैंने 90 से अबव का सोचा था, क्वेश्चंस नंबर अटेम्प्ट को 90 से अबव अटेम्प्ट को। दैट्स वंडरफुल, आपको ऑल द बेस्ट फॉर जीएस नाउ। कब से तैयारी कर रहे हैं आप? सर मुझे लगभग एक साल होने को है CDS के। तो आपने इस बार का पेपर पिछली बार भी दिया था CDS का? तो हाउ वाज द पैटर्न डिफरेंस इस बार? पैटर्न का डिफरेंस स्लाइटली डिफरेंट था, पिछले बार के समय जितना थोड़ा इजी था। तो लेवल इजी था इस बार? नॉट अ टफ लेवल, तो यू वर एबल टू क्रैक द क्वेश्चंस इजीली। तो कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप स्कोर इसमें? सर मैं इसमें एक्सपेक्ट कर रहा हूं मिनिमम 70-80 के अराउंड अबाउट। 70-80 स्कोर मिनिमम इतना। और अटेम्प्ट कितना किया आपने? अटेम्प्ट सर मेरा 103 है। तो मतलब डूएबल था आप कह रहे हैं? यस सर। ओके, मैं आल्सो आपसे भी पूछ सकता हूं, आपका क्या नाम है? सर सचिन। सचिन, यस सर। तो सचिन आपने CDS का एग्जाम कौन सा आपका अटेम्प्ट है ये? सर मेरा थर्ड अटेम्प्ट है। थर्ड अटेम्प्ट, तो कैसा गया ये अटेम्प्ट आपका? अटेम्प्ट अच्छा गया सर, प्रीवियसली से अच्छा गया। पेपर वाज इजी और टफ? सर इजी था पेपर, पिछली बार से इजी। ठीक है जी, तो मेरे को ये बताएंगे कितना स्कोर आपने इस बार सोच रहे हैं आ जाएगा? सर मेरा 60 प्लस का है। 60 प्लस स्कोर मार रहे हैं। अटेम्प्ट कितना किया? सर 78 के आसपास। 78, दैट्स अ गुड स्कोर। तो ये था जी, पेपर वॉज यू कैन से क्वाइट इजी, नॉट वेरी टफ। हाँ पेपर का पैटर्न थोड़ा बहुत चेंज हुआ, बट नॉट वेरी, बहुत ज्यादा अपर लेवल पे गया, इजी लेवल पे ही रहा पेपर। सो मोस्ट ऑफ द पीपल जितनों से हमने पूछा उनका अटेम्प्ट नियरली 70 तक पहुंचा। मैं एक और हमारे कैंडिडेट खड़े हैं उनसे भी पूछा जाऊँ, क्या नाम है आपका? शुभम। शुभम जी, तो शुभम जी आपने इस बार पेपर दिया, तो कैसा गया आपका पेपर? सर पेपर बढ़िया गया, वाज इट टफ और क्या लेवल था? मॉडरेट, इजी, मॉडरेट लेवल था। तो आप मेरे को बता सकते हैं किस लेवल के आपने इस बार पेपर का मॉडरेट लेवल था, कितना अटेम्प्ट किया? इजी था जी। कितना अटेम्प्ट किया आपने इस बार? पूरा ही पूरा 120, दैट्स वंडरफुल जी। और कितना आपको लग रहा है कितना एक्यूरेसी होगा उसमें, कितना स्कोर बनेगा? पूरा ही है जी, बहुत बढ़िया, कॉन्फिडेंस है जी। सो ये था हमारा स्टूडेंट्स का फीडबैक आफ्टर द एग्जामिनेशन फॉर इंग्लिश पार्ट। सो यही कहूंगा जी, आराम से बच्चों ने जिन्होंने थोड़ा बहुत सिंसियरली प्रिपेयर किया, दे आर एबल टू डू इट वेरी वेल इन द एग्जामिनेशन, बिकॉज पेपर पिछली बार की तरह बहुत टफर लेवल में नहीं था, ईजी था। मैंने खुद पेपर देखा तो कुछ वर्ड्स ऐसे पूछे जैसे ग्रुप ऑफ बर्ड्स, ग्रुप ऑफ डॉग्स, या ऐसे कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स रिलेटेड जो सिंपल सिंपल टर्म्स हैं जो नॉर्मली हम 8, 9, 10th में समझते हैं, जो एफकैट में भी कई बार यूज होते हैं, वैसे टर्म्स थे। सो ऑल द बेस्ट फॉर द जीएस पार्ट नाउ। थैंक यू, जय हिंद जी।